हाजी मारू को नवरात्रि मेले का चेयरमैन बनाने वाले। मारो लाल हाजी मारू जरूर एक दिन मेरा और उसकी बा का नाम रोशन करेगा। उसे इस इलेक्शन में मुझे जिताना ही होगा। मैं भी उसकी स्कूल में धोती कुर्ता पहन कर जाऊंगा और बा को चनिया चोली पहनाऊंगा। विजयी भवा। मेरे हाजी को ही वोट देना। देखो हाजी मारू, इलेक्शन स्कूल के लिए है। मछली ले लो बच्चे। मच्छी महानगर वाले वोट तो दे दे। आओ मेरे होटल में पेट भरकर नूडल्स खा लो बच्चे। अरे वोट तो दे दीजिए। आओ अपने बाल कटवा लो। ले लो ताजी सब्जियाँ ले लो। ओ हागी मारू। मी दादी। क्या इस बार नवरात्रि में तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो? बोलो बोलो। अरे सेट हो गई सेट हो गई। तुम्हें हाँ समझू? सुनो मिदरीचा, मैं और तुम तुम्हारे मैडानिया। मिदरीचा तुम मंजूर? मिदरीचा मुझे मंजूर है। मैं इस देश का स्पीकर होने के नाते इस साल के इलेक्शन की घोषणा करूंगा। तुम कौन हो? देश के नेता, मेरे स्कूल के नवरात्रि मेला कमेटी का चेयरमैन मुझे को बनाइए, वोट मुझे दीजिए। चेयरमैन चाहे कोई भी बने, डांडिया नाइट में तो अपना आगे मारू ही मजे करवाएगा। स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। ये माइक है और अमेरिका से आया है। मैं चाहती हूँ आप इसे अपना दोस्त बना ले। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज माइक। वाह काफी स्टाइलिश है। स्टाइलिश तो मैं भी हूँ। अभी मैं इसे गुजराती स्टाइल का डैंडी और गरबा दिखाता हूँ, भाग जाएगा। हेलो तुम माइक हो ना? पहले माइक टेस्ट कर लेते हो बोलने के पहले। अरे माइक चल रहा है। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 मैं सभी अब चला सकती हूँ। नहीं नहीं हागी मारू, ये वो माइक नहीं है। ये बोलने वाला माइक नहीं है। मेरा मतलब ये बोलता जरूर है पर ये माइक नहीं है। मेरा मतलब ये माइक है पर ये माइक नहीं है। ये वो माइक नहीं है पर माइक तो है। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। उसके बाद तो माइक की छुट्टी ही हो गई। दोस्तों आज के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में मैं हागी मारू शो का होस्ट और आपका दोस्त हाजिर हूँ कुछ सवाल लेकर। अच्छा डबल बैटरी सिंगल पावर, ये बताओ कि डांडिया के बारे में तुम्हें क्या पता है? डांडिया मैं नहीं जानता। अच्छा निकू नीचे ये बताओ, तुम मेरे साथ डांडिया या गरबा खेलोगी? फिलहाल तो पढ़ाई करनी है। कोई अच्छा डांडिया गरबा वाला गाना तुम्हें आता है? ढोल बाजे। हागी मारू ये डांडिया नाइट के सपने देखना छोड़ो, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ओके सॉरी मिस फ्रेंड, मैं अपने इंटरव्यू यहीं खत्म करता हूँ। मुझे अपनी डांडिया नाइट के लिए एक अच्छा गाना बनाना है। सेटिंग ओके। ढोली तेरे ढोल बजरी ढोल बजरी ढोल के ढम ढम बजी ढोल। माइक के थोड़ा पास आकर गाओगे तो सुनाई देगा। कंदू और कितने बज जाऊं? आज हमारे स्टूडियो में है कौआ और कोयल, जिनका आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाँ? अच्छा बताओ कौआ, मेरा तो कंदू, तुम नवरात्रि के बारे में क्या जानती हो? नवरात्रि के बारे में लड़कियाँ ज्यादा जानती है, तो तुम इस बारे में उन्हीं से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा बताओ तुम नवरात्रि में क्या करने वाली हो? मैं 9 दिन अलग अलग चनिया चोली पहनकर फ्रेंड्स के साथ डांडिया खेलूंगी। मुझे डांस आता वाता नहीं है, फिर भी मैं बंदर की तरह उछलता हूँ, मजा आता है। देखो नीचे तुम कौ के साथ मत घुमा करो, वैसे नवरात्रि में मुझे बहुत मजा आता है। मैं बाप बापू के साथ बेलन से डांडिया खेलता हूँ। मैं तो कहता हूँ 9 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। गुड, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो 1 महीना नवरात्रि की छुट्टी देता और एक शानदार डांडिया नाइट भी ऑर्गेनाइज करता। अरे इतनी दिन छुट्टी मिलेगी तो स्कूल की पढ़ाई का क्या होगा बुजुर्ग? हागी मारू कितना समझदार बच्चा है, मुझे जाकर उसे शाबाशी देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत सोच विचार के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर सिर्फ 9 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए और आखिरी दिन पर एक शानदार डांडिया नाइट भी, लेकिन ये खड़ूस केकड़े छुट्टी के नाम से काटने को दौड़ते हैं। हागी मारू ने मुझे केकड़ा कहा। चलो शांत हो जाओ बच्चों।
अब मैं तुम्हें म्यूजिक सुनाऊंगी, तुम्हें पहचानना है कि ये कौन सा म्यूजिक है। सबका हाथ ऊपर है लेकिन हगी मारो को इतना सिंपल आंसर नहीं आता। कौन दो तुम बताओ? ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है। बिल्कुल सही जवाब। कौन दो? अब एक और म्यूजिक सुनो। हगी मारो तुम जवाब देने की कोशिश करो। जवाब सिर्फ हगी मारो देगा। चलो हगी मारो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मुझे पता है मिस। अरे बाप, बल्ले बल्ले, हगी मारो का जवाब पता है। बेटे मिठाई ये बहुत टेस्टी है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। स्कूल के कंपाउंड में आज डांडिया खेला जाएगा तो सब तैयार रहे। सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं हूँ आपके आज के स्पेशल डांडिया नाइट शो का होस्ट हगी मारो। हगी मारो मिस, चलो आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आज के शो में तो मुझे बैंड भी बजाना है। तुम्हें बैंड बजाना आता है? क्या बैंड बजाना है क्या? ये मैं निकले, ये गड्डी लेके, ये एक मोड़ है, ये एक गड़ी लेके, ये अरे बैंड बज गई। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। काश कि कोई मुझे किसी प्रोग्राम में गाने का मौका दे, सबकी छुट्टी कर दूंगी। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि कोई तुम्हारा गाना सुन के नहीं भागेंगे? क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो दोस्तों स्वागत कीजिए आज के हमारे शो की स्पेशल सिंगर का मिस हवाई। पंखेड़ा तो उड़ी चचे, पंखेड़ा मामा गड़ रे। मुझे डर लग रहा है, उस कैमरे को यहाँ से हटाओ। तुम्हारे गाना सुन के तो काफी लोग यहाँ डांडिया खेलने आ गए हैं। तुम्हारा मतलब ये मेरे गाने पर डांडिया खेलेंगे? नहीं तो क्या, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को तो तुमने भगा दिया। अब इन्हीं को अपना गाना सुनाकर बोर करो। फ्रेंड्स, जिनका मैं आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो मेरे आज के खास मेहमान है मिस्टर मुच्छड़। तुम जितना भी चाहो मस्का लगा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम मेरी भांजी से बात करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन तो बात करते, तुम अब कुछ नहीं कहते हो। तुम मिदोरिचा के पीछे हाथ धोकर पड़े हो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन मैं तुम्हें ही धो डालूं। सुन लो, आइंदा मेरी भांजी को परेशान मत करना। मिदोरिचा, अगर तुमने फिर मेरी भांजी का नाम लिया तो मैं तुम्हारे बच्चे कुछ बाल भी साफ कर दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं एक बार नहीं हजार बार उसका नाम लूंगा। मिदोरिचा मिदोरिचा बोलो, क्या कर लोगी? देखो हगी मारो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, अब तुम रुक जाओ बच्चे। मिदोरिचा का नाम लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, मेरा इंटरव्यू लो, उसका नाम मत लो। लगाने गया आपका इंटरव्यू? मैंने कहा इंटरव्यू लो। मिदोरिचा माइक पकड़ो, खुद ही अपना इंटरव्यू लो। मिदोरिचा कैसी हो? मिदोरिचा, ओ हगी मारो तुम यहाँ? ये मेरी भांजी का पीछा नहीं छोड़ेगा। मिदोरिचा, क्या तुम ऐसे डांडिया खेलना चाहोगी? मुझे डांडिया नहीं आता। टेंशन मत लो मेरी प्यारी, मैं हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए डांडिया। आज स्कूल के डांडिया में तुम मेरी पार्टनर बनेगी। खेलेगी, तुम अपनी खड़ूस दादी दादी को मत बताना। मेरी छड़ी और तुम्हारे टकले का डांडिया कैसा रहेगा? हाँ गई मेरी मिदोरिचा। कितनी ठंड लग रही है। हगी मारो, बिना शर्ट के घूम रहे हो, कपड़े पहन लो वरना बीमार पड़ जाओगे। नहीं कहते, मैंने गर्म पैसे को उड़ा है ना अपने बदन पर। ठंडी का मौसम तो बस अभी शुरू हुआ है। ठंडा ठंडा कूल कूल। बहुत भूख लगी है। मने पर लगी है भूख, और ठंड में मार्केट कौन जाएगा? हंसते चलो, मिल के चलो। ने ताजे ताजे फल चुनकर लाए हैं। मैंने क्या जबरदस्त दिमाग चलाया ना हागी। पैसे आंटी को घर छोड़ दो।